हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। क्लास सेकंड के लिए आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 32 पे होम एंड एन की, ठीक है, और विंडो की और विन की। तो आज का डेट हो गया 21 जून 2021, आज का डे हो गया मंडे, ठीक है। तो आज होम की पे आएंगे। होम की क्या होता है? We use the home key to move the cursor to the beginning of the line. तो आप जब home key पर क्लिक करोगे ना, तो आपका cursor जो है ना, यानी आपकी line की शुरू पे आ जाएगा, ठीक है। We use the end key to move the cursor to the end of the line. जब आप end key पर क्लिक करोगे तो आपका cursor last वाली line पे चला जाएगा, ठीक है। एक बार फिर पढ़ेंगे, home and end key. We use the home key to move the cursor to the beginning of the line. We use the end key to move the cursor to the end of the line. Windows key or win key. We use the win, yani win key to open the start menu. Win key आप किस लिए use किया जाता है? आप अपनी यानि start menu को open करने के लिए आप window की इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे shortcut लिए आपका game के जो है ना start menu आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपका टिक द करेक्ट आंसर, ये होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है कॉपी पे कंप्लीटली। व्हाट वुड यू गेट ऑन द स्क्रीन इफ यू प्रेस दिस की, यानी ये की जब दबाओगे, जिसे टू है उसके ऊपर एट द रेट है, इस वाले की को आप क्लिक करोगे तो आप क्या आएगा, एट द रेट आएगा या टू आएगा, तो आपको एक बार ये देखना है। डायरेक्टली आप किसी भी की पे क्लिक करोगे ना, तो आपकी स्क्रीन पे यानी नीचे वाला सिंबल आती है। जैसे आपके पास दो सिंबल वाला की है, जैसे एट द रेट टू वाला की है, ठीक है ना, आप डायरेक्टली दबाओगे ना तो आपको क्या आएगा कि ये टू आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा। अगर आपको ऊपर वाला लेके आना है तो आपको शिफ्ट पे दबा के आपको इस की पे दबाना है, ठीक है। तो आपको फिलहाल क्या आएगा, फिलहाल आपको डायरेक्टली टू आ जाएगा, तो आपको डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, टिक कर लो इस टू को, ठीक है। नेक्स्ट, विच की मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, तो ये वो कौन सा की है जो आपकी कर्सर को लाइन की शुरू पे लेके जाता है, एंड की या होम की? तो ये आपके लिए होम की है, होम की पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, व्हाट वुड यू गेट ऑन द स्क्रीन इफ यू प्रेस द लेटर जेड अलोंग विद द शिफ्ट की, शिफ्ट की के साथ आप जो लेटर जेड दबाओगे ना, तो क्या आ जाएगा आपको, स्मॉल में नहीं कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, तो आपको क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स देखना है। सबसे पहला क्या है, वी यूज द विन की टू ओपन द स्टार्ट मेनू, क्या विन की स्टार्ट मेनू को ओपन करते हैं? जब हम विन की पे दबाएंगे तो स्टार्ट मेनू क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, आपके लिए करेक्ट है। तो आपके डायरेक्ट टी लिख सकते हैं, ट्रू, ये ट्रू हो गया। वी यूज द कैप्स लॉक की टू टाइप स्मॉल लेटर, जब हम कैप्स लॉक यूज करते हैं तो क्या स्मॉल लेटर के लिए कैपिटल, तो ये स्मॉल लेटर के लिए नहीं होता, कैपिटल के लिए, तो ये फॉल हो गया, ठीक है। We use home key to move the cursor to the end of the line. तो ये end of the line नहीं, ये beginning of the line है, क्योंकि home key end पे नहीं लेके जाता है, beginning पे लेके जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, fall हो गया, क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा और आपके ग्रुप पे भी मैं ये दे दूंगा जो ट्रू एंड फॉल्स एंड टिक दो करेक्ट आंसर, तो आप ग्रुप पे भी चेक कर लेना। थैंक यू वेरी मच। इसको सही तरीके से अपनी कॉपी पे लिखना और इसको याद करना, क्योंकि T1 में आपको शायद यही चैप्टर्स आएगा, जैसे चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 आएंगे, तो आपको कोशिश करना है इसको अच्छी तरह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।